कैप्टन अमरिंदर सिंह का शुरुआत में राजनीति के साथ कोई बहुत अच्छा संबंध नहीं था। बताया जा रहा है कि उनके स्कूली दिनों के दोस्त राजीव गांधी ने 1980 में उनको कांग्रेस में शामिल कर लिया। इसी साल कैप्टन अमरिंदर सिंह पहली बार लोकसभा सांसद बने। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बतौर सांसद मेंबर और कांग्रेस के प्राथमिक मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। तो चलिए आपको बताते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का सियासी सफर। अगस्त 1985 में वो शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुए। इसके एक महीने बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब विधानसभा से चुने गए और सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार में मंत्री बने। 1987 में केंद्र सरकार की तरफ से सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 1992 में कैप्टन अमरिंदर सिंह शिरोमणि अकाली दल से भी अलग हो गए और अपनी एक अलग पार्टी जिसका नाम अकाली दल पंथक की शुरुआत की। 1992 में अकाली दल पार्टी कांग्रेस का हिस्सा बनी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के राजनीतिक सफर को जुलाई 1992 में नई ऊंचाई मिली जब उनको पंजाब कांग्रेस का प्रमुख खुलेआम बनाया गया। 2002 की विधानसभा मतदान में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार बनी। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने। हालांकि इस दौरान पार्टी के अंदर खासकर समय उप मुख्यमंत्री रजिंदर कौर के साथ अंदरूनी राजनीतिक लड़ाई चलती रही। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से किसानों के हक में कई तरह के कदम उठाए गए जिसके बाद वो एक तारीफ के पात्र बने। 2007 विधानसभा चुनाव मतदान कांग्रेस हार गई और शिरोमणि अकाली दल भाजपा की सरकार सत्ता में आई। 2012 की मतदान भी कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ी और एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल भाजपा की जोड़ी ने कांग्रेस को मात दे दी। इस हार में कांग्रेस हाईकमान की भी भूमिका थी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की जीत को लेकर जरूरत से अधिक विश्वास भी अकाली दल की जीत का एक कारण बना। 2013 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब कांग्रेस प्रमुख की भूमिका से हटा दिया गया था और इसके बाद पंजाब कांग्रेस के प्रधान बनने के लिए उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के साथ एक तरह की लड़ाई लड़ी। 2014 लोकसभा मतदान में अरुण जेटली को हराने के बाद राजनीतिक सितारे कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में होने शुरू हो गए। चाहे कैप्टन लोकसभा सांसद मेंबर बन गए थे, परंतु फिर भी उनका ध्यान हमेशा पंजाब की राजनीति की तरफ ही रहा। इस दौरान पंजाब की बाग दौड़ कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथ न आते देख उनके समर्थन की मांग करने लगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग पार्टी बना लेने पर कांग्रेस को अलविदा कह देंगे। 2017 की विधानसभा मतदान से पहले कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को फिर से पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बावजूद ना सिर्फ मतदान में बहुमत हासिल की बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री के ओहदे पर भी वह आप विराजमान हुए। इसी दौरान एक वक्त आया जब नवजोत सिंह सिद्धू भाजपा को अलविदा कह कांग्रेस का हिस्सा बन गए। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह के राजनीतिक टकराव होते रहे। इन टकराव के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कैबिनेट में शामिल किया गया। इसके बाद कैबिनेट में कई तरीके के फेरबदल के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने नई जिम्मेदारी संभालने से इनकार कर दिया। 2017 की मतदान दौरान चयन मैनिफेस्टो के कई वाद पूरे न होने पर बेअदबी मामले पर कोई सख्त कार्रवाई न होने का हवाला देकर लगातार नवजोत सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरते रहे। इस दौरान कोरोना महामारी ने पंजाब को घेर लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह का नेतृत्व वाली पंजाब सरकार को इस दौरान गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। अभी महामारी के प्रभाव से पंजाब अच्छी तरह बाहर नहीं आया था कि पंजाब कांग्रेस अंदर बगावत उठने लगी। हाईकमान की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रधान बना दिया गया। इसके साथ ही 18 सूतली एजेंडा हाईकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में लागू करने के लिए सौंप दिए। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह इतनी बढ़ गई कि आखिर 18 सितंबर को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सूबे में चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार सत्ता में आई, जिसके बाद से कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस हाईकमान के प्रति नाराजगी भी खुलकर सामने आई। इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद ही पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। फिलहाल ऐसे में कल अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी का ऐलान किया जिसका नाम पंजाब लोक कांग्रेस रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।